गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर मोनिका गगलेरिया आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही दूसरा एक टाइप है कोलिनकाइमा हमने पिछले लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो है पेरनकाइमा टिश्यू वो स्टार्ट किया था और उसी के ही वेरियस टाइप्स जो हैं वो पढ़े थे हमने डिटेल में और उसके फंक्शन स्टडी किए थे आज हमने जो है कोलिन जो है वो पढ़ना है वो डिटेल में स्टडी करना है इसमें हमने इंट्रोडक्शन इसकी स्टडी करनी है इसके टाइप्स पढ़ने हैं और जो हमारा पेरिन और कोलिन है उन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है वन बाय वन सो लिटल स्टार्ट

बॉडी और जो इस टिश्यू की सेल्स हैं वो अगेन आपके पेरनकाइमेटस टिश्यू के ही जैसे ही जो हैं वो लिविंग हैं दैट मीन्स कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट है और अब इसमें जो डिफरेंस है आज का जो हमारा टिश्यू है वो है इसमें जो थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं आपके पास जो पेरनकाइमेटस टिश्यू हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था उसमें ये जो लोकेलाइज थिकनिंग है वो एब्सेंट थी और ये जो थिकनिंग है दैट इज़ ड्यू टू हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज एंड पर ये जो आपके पास थिकनिंग्स हैं ये लिग्निफाइड नहीं हैं और यहाँ पे कुछ एक जो है वो पिट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और जो सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस हैं सेल वॉल में वजह से आपके पास जो है हायर वाटर एबजॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो सेल्स की हो जाती है और जो टिश्यू है दैट बिकम्स प्लास्टिक एक्सटेंसिबल एंड कैपेसिटी टू एक्सपैंड एंड इट इट आल्सो प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन और ये जो हमारी सेल्स हैं कोलिनमटस टिश्यू की दे आर कंपैक्ट एंड इंटर सेलुलर स्पेसिस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट जैसे हमारे पेरन क्लाइमेटस टिश्यू में जो है वो इस तरह से प्रेजेंट थे अब हमने जो काइमेटस uh, टिश्यू uh, uh, है हमारा उसकी शेप और साइज़ के बारे में डिस्कस करना है तो जो इसकी सेल्स हैं उनका जो ओरिजन होता है वो इलॉन्गेट सेल से हुआ है और ये आपका रिजेंबल करता है प्रोकैम्बियम से इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके काइमेटस सेल्स हैं दे आर ऑल्सो इलोंगेटेड और विद ऑब्लिक एंड वॉल्स और एंड समटाइम्स द एंड्स में बी राउंडेड एंड द सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज और कोलनकाइमस टिश्यू जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाइपोडर्मि ऑफ डाइकॉट स्टेम्स और दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कुकरविटा है और हेलियंथस है एंड लीवस दे आर यूजली एबसेंट इन मोनोकॉट्स एंड इन इन केस ऑफ रूट्स एंड हाउ अबर दे मे अकर इन रूट कॉर्टेक्स इफ द रूट इज एक्सपोज टू लाइट एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका काइंस और वेरियस टाइप्स ऑफ काइमा और आपके पास ये टोटल जो है तीन डिफरेंट टाइप्स के कोलनकाइमेटस टिश्यू हैं प्लेट और लैमिलर कोलन काइमा एंड एंगुलर कोलन काइमा एंड थर्ड इज़ लेक्वनेट कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम प्लेट और लैमिलर कोलेनकाइमा जो है वो स्टडी करेंगे ये जो कोलिनकाइमाटस टिश्यू है वो आपके डिपोजिशन जो है थिकनिंग मटेरियल की दिखाता है टेंजेंशियली यानी कि जो आपकी सेल वॉल्स है वहाँ पे लोकलाइज थिकनिंग होंगी बट टेंजेंशियली ये आपके पास मेन जो है वो ध्यान रखने वाली चीज़ है एंड थिकन वॉल्स लुक्स लाइक पैरल प्लेट्स तो ये हमें जो हम डाइग्राम जब देखेंगे तो डायग्राम में हमें ये देखो फर्स्ट डायग्राम आपके पास ए जो डायग्राम है ये आपकी प्लेट कोलेनकाइमेटस टिश्यू की है और इसी को ही लैमिलर बोलते हैं और यहाँ पे हम सेल्स देख रहे हैं आपके पास टेंजेंशियल जो हैं टेंजेंशियल जो एंड थिकनिंग्स हैं वो हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्लेट लाइक अपीयर होता है तो ये आपके पास जो है हाइपोडर्मिस ऑफ सन फ्लावर जो है उसकी स्टेम में हमें इस तरह की प्लेट कोलनकाइमेटस टिश्यू जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं सेकेंड आपका है फिर एंगुलर कोलेनकाइमा अब यहाँ पे अगेन थिकनिंग मटेरियल का ही डिफरेंस है वो होगा तो जो थिकनिंग है वो आपके डिपॉजिट होंगी एट द एंगल्स ऑफ द सेल्स क्लियर यानी कि आपके पास पर्टिकुलर एक ट्रायंगल शेप में या कुछ और शेप में जो है एंगुलर फॉर्म में आ, एंगल्स बनाएंगी ये डिपोजिशंस जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली ये चीज़ जो है वो स्टडी कर सकते हो तो आपके पास बी डायग्राम है तो बी डायग्राम में आप देखोगे थोड़ा जो ब्लैक कलर की थिकनिंग्स दिखाई है हमने डायग्राम में तो कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म आपको दिख रहा है और वैसे ही सी uh, डायग्राम को भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी आपके पास uh, uh, कुछ और टाइप की है लेकिन ये हम अगले कैटेगरी में करेंगे पहले आप बी जो है ट्रायंगुलर फॉर्म एंगुलर फॉर्म वो डिपोजिशंस uh, हम स्टडी कर सकते हैं इस डायग्राम से ये हमें क्लियर दिख रहा है और एग्जांपल्स में आपके पास आएंगी टोमेटो की स्टेम, धतूरा की स्टैम और पोटैटो की स्टेम। यानी कि इनके टीएस जब हम सेक्शन कटिंग जब करते हैं इन स्टेम्स की तो हमें ये थिकनिंग जो है वो सेल वॉल में लोकलाइज्ड फॉर्म में काफ़ी क्लियर दिखती हैं थर्ड है लेकुनेट और लेकुनेट में भी आपके पास जो थिकनिंग मटेरियल है दैट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स वॉल्स uh, uh, जो हैं वहाँ पे है बट अब यहाँ पे बॉर्डर जो है एक वो बनता है इंटर सेलोर स्पेसिस में पूरी थिकनिंग नहीं है बॉर्डर क्रिएट हो जाता है और इंटर स्पेसेस स्पेसिस जो हैं वो बनते हैं तो ये जो आप थिकनिंग है ये देख सकते हो डायग्राम सी में तो काफ़ी क्लियर है डायग्राम सी में आपके पास ये जो थिकनिंग्स हैं विद इंटर स्पेसेस स्पेसिस तो ये आपका थर्ड कैटेगरी हुआ लैक्यूनेट और डी जो डायग्राम है वो आपका एंगुलर फॉर्म के लिए ही है अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमेटस टिश्यू तो अब जैसे हमने बोला कि uh, जितने भी हमने टाइप किए तो सब में ही हमने थिकनिंग का नाम लिया कि थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो कोलनकाइमेटस uh, टिश्यू है उसका जो मेन काम है वो है सपोर्टिंग टिश्यू uh, का यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये यंग डाइकोट स्टेम्स को तो ये आपका मेन फंक्शन हुआ और इन टिश्यूज़ की जो कैपेसिटी है इट हैज़ द कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड गिव्स टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड सेकेंड फंक्शन इज इट इज प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ सम लीव्स अब जैसे मार्जिन्स पे प्रेजेंट है ये लीव्स के तो क्या करेगा ये जैसे ही काफ़ी तेज जो है अगर हवा चलती है विंड चलती है तो जो टियरिंग इफेक्ट होता है विंड का तो उसको उससे ये रजिस्ट करती है इन लीव्स को प्रोटेक्ट करेगी और थर्ड फंक्शन है जो कोलिनकाइमेटस सेल्स हैं दे पुजैस क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अगर ये प्रोजेस करता है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगा तो हमारे पास जो कोलिनकाइमेटस टिश्यू है ये इसके वेरियस फंक्शंस हुए और हमने डिटेल में स्ट्रक्चर और जो है शेप uh, फॉर्म वो एक्सप्लेन किया अब हमारा कोलनकाइमेटल टिश्यू भी कंप्लीट हो गया और हमने लास्ट लेक्चर में पेरनकाइमेटल्स टिश्यू पढ़ा था अब हम इन दोनों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आप लोगों ने भी जो है कुछ एक पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे पहले वाले लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा और फिर थोड़ा सा रिवाइज किया होगा तो हम डिफ्रेंसिस जो हैं वो स्टडी करते हैं अब तो पहला डिफ्रेंस जो आपके पास मेन है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो तो आपका पेरिन काइमटर्स टिश्यू होता है, तो वहाँ पे थिन वॉल लिविंग सेल्स होंगी, क्लियर, एंड जो कोलन काइमटर्स टिश्यू है, अब आज हमने क्या स्टडी किया, कि लोकलाइज थिकनिंग्स हैं, कहाँ पे सेल वॉल्स में, और ये भी किसकी थिकनिंग्स होंगी, पैकटिन की हैमी सेलुलोज की और सेलुलोज की एंड नेवर लिग्निफाइड और लिग्निफाइड नहीं है लिग्निंग जो है उसकी डिपोजिशन नहीं होंगी तो ये आपके पास फर्स्ट मेन जो डिफरेंस है वो होगा इन दोनों टिश्यूज में सेकेंड डिफरेंस जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का तो जैसे हमने पहले बोला था कि जो पेरनकाइमा काइमेटस टिश्यू है वो पूरे पा जो आपका पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी के तो वहाँ पे कहीं पे भी वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो सकती है लेकिन आपका आज का जो टॉपिक है काइमा तो वो एरियल पार्ट्स जो हैं प्लांट के आउटर लेयर्स में वहीं पर इसकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हैं और थर्ड इज जो आपका पेलिनकाइम टिश्यू है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और कोलनकाइमस टिश्यू जो है ये आपका पर्टिकुलरली डॉट्स में स्टेम्स में मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा आपकी स्टेम को और किस में डायकॉट्स में और लास्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि जो पेरन क्लाइमेटस टिश्यू है उसकी जो एबिलिटी है वो डी डिफ्रेंशिएशन की है क्लियर डी डिफ्रेंशिएशन की और ये सेकेंडरी मैरिस्टेम जो है उसको फॉर्म करेगा ठीक है एंड कोलनकाइमोटस टिश्यू जो है आपका इसमें इस तरह की डी डिफरेंशिएशन की कोई कैपेसिटी नहीं है कोई एबिलिटी नहीं है और ना ही सेकेंडरी मैरिज टाइम ये बनाता है क्लियर तो ये हमारे जब हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया तो हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक भी क्लियर हो गया आज फिर से और कोलनकाइमोट टिश्यू जो हमने आज किया वो भी दोबारा से रिवाइज़ हो गया आपका तो ये आपका आज का टॉपिक था कोलिन इमा जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप था थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे